लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग दिस एक्वस कॉपर नाइट्रेट विद कॉपर एनोड सिल्वर कैथोड। बड़े ध्यान से सोचना है, कॉपर एनोड, उस एनोड पर नाइट्रेट आयन जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा, नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। मगर यदि कॉपर एनोड पर है तो ऑक्सीडाइज निश्चित कॉपर को ही होना है। कॉपर इस तरह से ऑक्सीडाइज हो गया एनोड पर, अब रिड्यूस कौन होएगा? एक्वस सॉल्यूशन से एच पॉजिटिव आयन आएगा, कॉपर आयन वहां ऑलरेडी आ भी चुका है और ऑलरेडी है भी, और कैथोड पर सिल्वर है, रिड्यूस कौन होगा? एच पॉजिटिव आयन वहां वाटर से आ रहा है, कॉपर आयन वहां ऑलरेडी है भी और कॉपर आयन ऑक्सीडाइज होकर ही मिल रहा है, और कैथोड पर मेटालिक सिल्वर है, कैथोड पर कौन रिड्यूस होगा? ध्यान रहे, भले ही सिल्वर इधर सबसे नीचे है मगर इस समय इस सिचुएशन में कैथोड पर जो सिल्वर अवेलेबल है वह मेटालिक सिल्वर है, वह रिड्यूसिबल नहीं है, उसे फर्दर रिड्यूस नहीं करा जा सकता। सिल्वर आयन रिड्यूसिबल होता है, मेटालिक सिल्वर रिड्यूसिबल नहीं है। इधर सिल्वर कैथोड पर है जरूर और यह सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे भी है, मगर कैथोड पर जो सिल्वर अवेलेबल है वह रिड्यूसिबल नहीं है, वह ऑलरेडी उसके रिड्यूस्ड स्टेट में ही है, इसलिए कैथोड पर सिल्वर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्पिटिशन अभी भी सिर्फ एच पॉजिटिव आयन और कॉपर आयन में ही है, सिल्वर कॉम्पिटिशन में नहीं है। रिड्यूस इस जगह पर कॉपर आयन ही होगा, कैथोड पर, और वहां पर जो रिएक्शन होगी, कॉपर एट एनोड वुड गेट कैप डिपॉजिटेड ओवर कैथोड, और वहां पर हम जो रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे दैट इज कॉपर एनोड पर कॉपर आयन इज द प्रोडक्ट, एक्वस कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी टेम्परेचर पर कॉपर वुड बी द प्रोडक्ट एट सिल्वर कैथोड। इस तरह से सिल्वर की कैथोड के ऊपर आप कॉपर का डिपोजिशन कर सकते हो। सिल्वर की कैथोड है, उसके ऊपर आपने कॉपर मेटल डिपॉजिट कर दिया, बड़ा अच्छा तरीका हो जाएगा सिल्वर को छुपाने का। यदि घर में सिल्वर है, आप चाहते हो कि वो दिखे नहीं, तो आप उसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग कर दीजिए, बाहर से वो कॉपर की दिखने लगे, अंदर वो सिल्वर की। सिल्वर कैथोड के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग हो गई एक तरीके से। जरा ध्यान से देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन को भी और सेल के रिएक्शन को भी, और ये भी देखिए कि सिल्वर कैथोड है जरूर और रिडक्शन की जगह पर है, मगर फिर भी रिड्यूस क्यों नहीं हुई? अब एक्वस कॉपर नाइट्रेट विद सिल्वर एनोड एंड कॉपर कैथोड। सिल्वर एनोड है तो ऑक्सीडाइज ना तो नाइट्रेट होएगा ना हाइड्रोक्सिल होएगा, ऑक्सीडाइज सिल्वर को ही होना है। सिल्वर इस तरह से ऑक्सीडाइज हो गई
एनोड पर. अब रिड्यूस कौन होएगा? अब रिड्यूस होने के लिए वहां पर तीन स्पेशस है. एक्वस से आने वाले एच पॉजिटिव, कॉपर नाइट्रेट से आने वाले कॉपर आयन, और अभी अभी जो सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर सिल्वर आयन आया है वह. एच पॉजिटिव, कॉपर और सिल्वर में सिल्वर सबसे नीचे, तो सिल्वर आयन यहां पर रिड्यूस हो जाएगा और यह रिड्यूसिबल है भी. कैथोड पर सिल्वर का रिडक्शन होना है. और इस तरह से एनोड का सिल्वर कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा. आई मे राइट दिस सिचुएशन इन दिस मैनर. सिल्वर एनोड पर एजी पॉजिटिव इज द प्रोडक्ट. एक्वस कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी टेम्परेचर पर, और सिल्वर इज प्रोडक्ट एट कॉपर कैथोड. कॉपर कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा. इस तरह से लाल कलर की कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर सिल्वर कलर की प्लेटिंग हो गई. दिस वुड बी द बेस्ट मेथड. एक अच्छा मेथड होगा जिससे आप कॉपर की बनी हुई चीज को आप सिल्वर की बनी हुई दिखा सकेंगे. वाकई में वो कॉपर की बनी हुई है, उसके ऊपर आपने सिल्वर की प्लेटिंग कर दी, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी की बनी हुई है, जबकि वाकई में वो है कॉपर की. दिस इज द मेथड फॉर सिल्वर प्लेटिंग. टेंथ सिचुएशन, एक्वस एजी एनओ थ्री विथ कॉपर एनोड एंड सिल्वर कैथोड. कॉपर एनोड एंड सिल्वर कैथोड, कॉपर एनोड पर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना है. कॉपर एनोड पर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना है. वहां पर चाहे एच पॉजिटिव आयन चला जाए, चाहे नाइट्रेट आयन चले जाए, चाहे हाइड्रोक्सिल आयन चले जाए, नाइट्रेट और हाइड्रोक्सिल आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. कॉपर एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे भारी पड़ेगा, सबसे अधिक होगा. कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, अब रिडक्शन किसका होगा जरा सोचिए. रिडक्शन के लिए अब हमारे पास कॉपर आयन भी है, एक्वस से आने वाले एच पॉजिटिव भी है और एजी एनओ थ्री से आने वाले एजी पॉजिटिव भी. तीन रिड्यूसिबल स्पेशस है वहां पर. कॉपर आयन जो कि अभी अभी ऑक्सीडाइज होकर आए, सिल्वर आयन जो एजी एनओ थ्री से मिलेंगे और एच पॉजिटिव आयन जो वाटर से मिलेंगे. रिड्यूस कौन होगा? एच पॉजिटिव, कॉपर और सिल्वर में सिल्वर आयन का रिडक्शन होना है. सिल्वर आयन इस तरह से रिड्यूस होंगे कैथोड पर, मगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए. इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए और 2Ag पॉजिटिव प्लस CO गिविंग यू CO2 पॉजिटिव प्लस Ag. दोनों तरफ हम दो नाइट्रेट आयन जोड़ दें. ओवरऑल वहां पर जो रिएक्शन होगी दैट इज ट्वाइस AgNO3 प्लस CO गिव्स यू CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag.
let me write cell representation in this situation. Copper anode bar, copper ion is the product. Aqueous AgNO3, Ag is product at Ag cathode. This would be the electrolytic cell representation. Eleventh situation, aqueous AgNO3 with Ag anode and copper cathode. Aqueous AgNO3 with Ag anode and copper cathode. Ag anode. नाइट्रेट आयन हो चाहे हाइड्रोक्सिल आयन, यदि Ag एनोड है तो Ag ही ऑक्सीडाइज होएगा, Ag ऑक्सीडाइज होकर Ag पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन, दिस वुड बी द रिएक्शन एट एनोड. अब रिएक्शन किसका होना है? रिडक्शन के लिए वहां पर H पॉजिटिव आयन है, Ag पॉजिटिव आयन है और बस Ag पॉजिटिव आयन है. कॉपर कैथोड पर है मगर वो रिड्यूसिबल नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा कर ही नहीं. H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव है, रिडक्शन Ag पॉजिटिव का ही होना है. Ag पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा एट कैथोड और वहां पर इस तरह से एनोड का Ag इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू Ag एट कैथोड. आई विल राइट Ag एनोड पर Ag पॉजिटिव इज द प्रोडक्ट इन एक्वस AgNO3 एट एनी कंसंट्रेशन इन टेम्परेचर. And Ag is product at copper cathode. This would be the electrolytic cell representation. हाँ बोलो. सॉल्यूशन का Ag भी कैथोड पर जा सकता है, बिल्कुल सही है. सॉल्यूशन के Ag पॉजिटिव में और इधर से आए Ag पॉजिटिव में प्रैक्टिकली वहां कोई डिफरेंस थोड़ी ना दिखेगा, दोनों में कोई फर्क थोड़ी दिखेगा, दोनों एक जैसे हो तो यू कैन नेवर डिफरेंशिएट क्यों सॉल्यूशन का Ag है या एनोड से आया हुआ Ag है, तो कोई सा भी Ag दोनों एक जैसे. अब ये बात पक्का है कि सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 का कंसंट्रेशन नियरली कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यदि एक Ag ऑक्सीडाइज होकर आया तो एक Ag ही रिड्यूस होकर जा भी रहा, तो ओवरऑल AgNO3 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट दिखेगा. अब इतनी बातें देखने समझने के बाद कुछ कंक्लूजन्स हम इमीडिएटली लिखते हैं, ऑल्दो अभी ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ओवर नहीं हुआ है, अभी काफी कुछ समझना इसमें बाकी है. सबसे पहली बात, हमने ढेर सारे सल्फेट और नाइट्रेट सॉल्ट लिए जरूर है, हमने नाइट्रेट और सल्फेट सॉल्ट लिए जरूर है, मगर आप देखिए एक्वस कंडीशन में नाइट्रेट आयन और सल्फेट आयन का कभी कहीं कोई रोल नहीं दिखता. एक्वस सॉल्यूशन में चाहे वहां नाइट्रेट आयन हो चाहे वहां सल्फेट आयन हो, वहां पर कभी भी NO2 जैसी गैस, N2O जैसी गैस या NO जैसी गैस कभी रिलीज नहीं होती है, SO2 या SO3 या H2S जैसी गैस कभी रिलीज नहीं होती. एक्वस कंडीशन में हाइड्रोक्सिल आयन हमेशा नाइट्रेट और सल्फेट आयन को पीछे कर देगा, नाइट्रेट और सल्फेट आयन एक्वस सॉल्यूशन में अपना कोई रोल दिखा नहीं पाएगा. हाँ, एक्वस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन यदि होगा तो उसको जरूर बड़े ध्यान से सोचना होगा, मगर हाइड्रोक्सिल क्लोराइड आयन हो और वहां पर कोई रिएक्टिव
इलेक्ट्रोड हो, रिएक्टिव मैटर की बनी हुई इलेक्ट्रोड हो, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस बात को सबसे पहले एक बात ध्यान से देख ले, इलेक्ट्रोलिसिस में मोल्टन कंडीशन में ही नाइट्रेट या सल्फेट का रोल दिख सकता है, एक्वस कंडीशन में नाइट्रेट और सल्फेट का कोई रोल नहीं दिखता। दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गवर्न्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जिकल प्रिंसिपल ऑफ वेरियस मेटल्स। कई सारे मेटल्स हैं, उनकी जो मेटलर्जिकल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर सोचते हैं और समझते हैं। लाइक इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम एलुमिना ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर से मिलने वाला एल्यूमिना और उससे प्योर एल्यूमिनियम निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। उसको उसके प्रिंसिपल को समझने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रॉपरली समझा हुआ होना जरूरी है। इसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर कॉपर, 100% प्योर कॉपर, उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है कंसेप्ट समझना। मैं मेरा ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस अभी ओवर नहीं हुआ, इसका लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का भी बाकी है, जिसको मैं फर्दर कंटिन्यू कराऊंगा और मैं सोचता हूं कल से ही कंटिन्यू कराऊंगा। किस तरह से कंटिन्यू कराऊंगा वो मैं भी प्लान कर लेता हूं और अभी बताया था। आज के दिन इतना ही कराता हूं। जस्ट डॉक्टर।